चरखीदादरी के नागरिक अस्पताल में आशा वर्कर का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें आशा वर्कर्स द्वारा आज पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जब वह सुबह अस्पताल में धरने पर बैठने के लिए आई तो पुलिस द्वारा उन्हें अस्पताल में आने से मना कर दिया गया और मुख्य गेट पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद आशा वर्कर्स ने दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत की और कुछ ही समय बाद सभी कर्मचारी संगठनों के नेता अस्पताल में पहुंच गए, जिनमें कर्मचारी संघ और पीटीआई संघर्ष समिति के सदस्य शामिल थे। अस्पताल में पहुंचकर सभी संगठनों द्वारा आशा वर्कर्स का धरना दोबारा शुरू करवाया गया, जिसके बाद चरखीदादरी के नागरिक अस्पताल में एक बार फिर आशा वर्कर्स धरने पर बैठ गई। आशा वर्कर्स की जिला प्रधान कमलेश ने बताया कि प्रशासन ने उनके धरने को उठाने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और उनका धरना फिर शुरू हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 17 अगस्त तक उनका धरना फिलहाल जारी है, अगर इसके बाद भी सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 अगस्त को होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। आज हमारे हड़ताल का सातवां दिन है और आज हम जब जैसे यहाँ धरना स्थल पे पहुँचे तो पुलिस कर्मचारियों ने हमें रोकने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मैडम आप यहाँ नहीं बैठ सकते, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जगह किसकी है, ये जनता की जगह है और नोटिस देके हम हड़ताल पे बैठे हैं और कोई इलीगल मांग लेके हम यहाँ नहीं बैठे और अनुशासनहीन काम हम कोई नहीं कर रहे, तो हम इस प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं कि हमें ये प्रशासन समझते क्या है। हम कर्मचारी हैं, हम काम करते हैं और काम के बदले जो दाम हमें चाहिए वो सरकार हमें दे नहीं रही है, तो उस मांग को लेके हम हर रोज जिस जगह हम अपनी दरी बिछा के बैठते हैं वहाँ प्रशासन ने हमें रोकने की कोशिश की, ये बिल्कुल निंदनीय है। आने वाले टाइम में प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि ऐसी घटना हमारे साथ ना घटे, हम प्रशासन से उलझना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन अगर हमारे साथ उलझने की कोशिश करेगा तो फिर उसका खामियाजा प्रशासन को भी भुगतना पड़ सकता है। हम पहले ही पीड़ित हैं, हमारे पीटीआई साथी यहाँ से और अगर हम पीड़ित परिवार हैं और पीड़ित परिवार के साथ अगर प्रशासन ऐसे काम हमारे साथ करेगी, हमें रोकने की कोशिश करेगी तो प्रशासन को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं। 17 तारीख तक आपने धरना का टाइम रखा हुआ है, तो उसके दौरान में क्या प्रशासन या सरकार के कोई नुमाइंदे आपसे बातचीत करने के लिए आगे आए हैं? हाँ जी, आज हमारे ACS की मीटिंग है, बुला रखा है, हमारे 3 साथी वहाँ पे जाएंगे और जो हमारी मांग है उस मांग के ऊपर अगर पूरी सहमति बन जाती है तो हम हमारी हड़ताल को वापस लेंगे। अगर उसमें से 25 पैसे की कटौती करने की सरकार कोशिश करेगी तो हमारा जो डेलीगेशन जाएगा वहाँ पे वो बिल्कुल भी सहमति नहीं देगा और हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। और 16 तारीख को जो हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग है कल रोहतक के अंदर, उसमें शायद हम बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना सकते हैं, वो कल हम डिक्लेयर करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस भी है, इस दौरान किस तरह से मनाया जा रहा है? आज ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत देके इस देश को आजाद करवाने का जो काम किया था, ये आज इन सत्ता में जो बैठे हुए सत्ताधारी हैं वो उसकी बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। उससे हमारे कर्मचारी, मजदूर, किसान, छात्र और जो बेरोजगारी की फौज खड़ी कर रखी है, आज हमारे देश को गुलाम बनाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही भारत की जो ये ऐसी दशा इन्होंने बना दी है, वो जो शहादत दे के हमारे गए थे क्रांतिकारी, उनसे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि ऐसे इस भारत को ऐसे न बढ़ाया जाए और रोजगार का जो सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का जो सवाल है उसके ऊपर गौर करें, और नहीं तो ये सत्ताधारी ये भूल जाए अगर इनके अंदर इतना अहम आ गया है कि भी हम इस देश के राजा बन के बैठ गए कि तो भूल जाए इस चीज को कि जनता समझ चुकी है, इनके जो काले कानून जो लेके आ रहे हैं जनता समझ चुकी है, या तो ये सुधर जाए नहीं तो आने वाले टाइम में इनको बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।